100 ग्राम हमने हरी मिर्च ले ली है, जिसे अच्छी तरह से पानी से धो के हमने कपड़े से साफ कर लिया है। हमने छोटी वाली साइज की हरी मिर्च ली है, आप चाहे तो मार्केट से बड़ी वाली हरी मिर्च भी ले सकते हैं, ये काफ़ी स्पाइसी मिर्च है। सबसे पहले हम मिर्च का अचार बनाने के लिए मिर्च को ले लेंगे और इसका जो ऊपर का डंठल है इसे हम निकाल देंगे और इसके हम छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। एक दो पीसेस में इसे काट देंगे। आप चाहे तो इसमें चीरा भी लगा सकते हैं, चीरा लगा के भी इसका अचार काफ़ी अच्छा बनता है। इसके भीतर तक अच्छे से मसाले चले जाएंगे, इस तरह से, जैसा आपको पसंद हो उस तरह करिए। हमें इसी तरह पसंद है तो हमने ऐसे ही किया है और इससे थोड़ा जल्दी भी बन जाता है, चीरा लगाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। इस तरह से देखिए हमने लगभग आधा मिर्ची कर ली है। जब भी आप मिर्च का अचार बनाते समय मिर्च को काटे तो अपने हाथों में थोड़ा सरसों का तेल ज़रूर लगा दीजिए, जिससे आपके हाथों में खुजली या मिर्ची नहीं लगेगी। और जिस तरह हम अपना मिर्च का अचार बना रहे हैं आप ज़रूर बनाना इस तरह से, और अपने अनुभव हमसे ज़रूर शेयर करना कि आपका अचार कैसा बना, हम इंतज़ार करेंगे। अचार बनाने के लिए हमने मसालों में सौंफ ली है 4 चम्मच और जीरा भी हमने 4 चम्मच लिया है और विनेगर हमने आधा कप लिया है। जो काली रंग की राई होती है हमने 2 चम्मच ले ली है और पीली सरसों भी हमने 2 चम्मच ही लेनी है। और ये हमने काला नमक लिया है, आधा चम्मच काला नमक लेना है और आधी ही चम्मच हमने सफ़ेद नमक लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला देंगे इस तरह से, और 1 चम्मच हमने कश्मीरी मिर्च ली है। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो मिलाइए, नहीं तो नहीं। और आधी ही चम्मच हमने हल्दी ली है। इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे, बस ये तैयार हो गया है हमारे मसाले। गैस में हमने फ्राई पैन रख दिया है और इसमें हम पीली सरसों डाल देंगे। बस इसे हल्का रोस्ट करना है, तिड़कने से पहले हम इसे बंद कर देंगे। हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस हल्का ही रोस्ट करना है। तिड़कने लगा हम इसे बंद कर देंगे गैस को और इसे निकाल देंगे। इसी फ्राई पैन में हमने जीरा भी डाल दिया है और काली राई भी डाल दी है और सौंफ भी डाल दी है। इसे हल्का रोस्ट करेंगे, हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, इसी तरह करना है जैसे हमने पीली सरसों को किया है रोस्ट, इसी तरह से करेंगे। और देखिए जो हमने पीली सरसों निकाली थी हमने एक उसमें रख दी है, कटोरी में रख दी है, इसे हम अलग ही रखेंगे, इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। देखिए हमने इसे रोस्ट कर लिया है और एक प्लेट में निकाल दिया है। और ये हमने 1 कटोरी सरसों का तेल लिया है और इसे अच्छी तरह से हम गर्म करेंगे। हमें इतना गर्म करना है कि धुआं निकलने लगे, इस तरह से देखिए गर्म हो गया है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा तेल ठंडा आ रहा है अपने हम मसाले पीस लेंगे। इसमें हमने अपने मसाले डाल दिए हैं और इसे हम दरदरा पीस लेंगे, बिल्कुल पतला नहीं पीसना, इसे हमें दरदरा ही पीसना है। हमारे मसाले पीस के तैयार हो गए हैं, देखिए हमने दरदरा पीसा है इसे, बिल्कुल चिकना पाउडर नहीं बनाया है इसका। अब क्या करेंगे, हमने एक बड़े से कटोरे में हमने हरी मिर्च को डाल दिया है और इसी में हमने अपने सभी मसाले डाले हैं। देखिए जो हमने पीली सरसों ली थी ऊपर से अलग से डाली है, मसालों में बिल्कुल भी नहीं पीसी है। इसका टेस्ट तभी अच्छा आता है, इसे हम ऐसे ही रहने दें। अगर इस तरह से इन सभी मसालों को हम इसमें मिला देंगे मिर्च में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे हम आपके लिए ऐसी ही नई और इजी रेसिपीज़ लेके आते रहेंगे। जो हमने तेल लिया था ठंडा करने के लिए, इसे हमने पूरा ठंडा नहीं किया है, इसे खाली गुनगुना ही किया है, इसे पूरा ठंडा नहीं करना। इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से तेल को भी इसमें मिला देंगे इस तरह से, इसके अंदर तक तेल और मसाले अच्छी तरह से मिर्च के अंदर तक चले जाए इस तरह से। और इस तरह इजीली आप अपने घर में जब मन करे अचार बना सकते हैं और खा सकते हैं। बिल्कुल चटपटा स्पाइसी अचार है, मुंह में पानी आ जाएगा इसे खाएंगे जो। अगर आप इसे पूरी, चपाती, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये मिर्च का अचार हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है, खास ये पराठों के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो पराठों के साथ अच्छा लगता है। आप बताइए आपको अचार किसके साथ पसंद है। इस तरह से देखिए अचार कितना अच्छा लग रहा है देखने में, आ गया ना मुँह में पानी अचार को देखते ही। हमने इसमें आधा कप विनेगर भी डाला है, आप इसे ज़रूर डालिए विनेगर को। हमने भी डाला है, हमें गलती से जो हमने डाला है वो स्किप हो गया है।
विनेगर से क्या होता है, जो इसमें मिर्च में हम डालते हैं, इसमें खट्टापन काफ़ी अच्छा आता है। जो मिर्च होती है तीखी मिर्च, वह हमें इतनी तीखी नहीं लगती है, खाने में टेस्टी लगती है, और जो मिर्च को गलाने में काफ़ी अच्छा हेल्प करती है। इसे ज़रूर डालिए विनेगर को। अगर विनेगर नहीं है आपके पास तो 4-5 नींबू इसमें अच्छे से निचोड़ के डाल सकते हैं, और किसी भी कंटेनर में रख दीजिए और 7-8 दिन तक अच्छे से धूप दिखा दीजिए, जिससे ये अच्छे से गल जाएगा अचार आपका और तैयार हो जाएगा खाने के लिए। इस तरह से देखिए, हमने इस कंटेनर में रखा है इसे, और 7-8 दिन तक हम इसे धूप दिखा देंगे और हमारा अचार तैयार हो जाएगा। 7-8 दिन बाद हमारा अचार बनके तैयार हो गया है। हमारी मिर्च है जो अच्छे से गल गई है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके भीतर तक अच्छे से मसाले चले गए हैं, आप देख सकते हो देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। बस हमारा मिर्च का अचार बनके तैयार हो गया है। बस अब आपकी बारी है अचार बनाने की, इसे आप ज़रूर बनाइए। फिर मिलेंगे हम आपको एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।